एवरीवन, सो टुडे इज आवर लास्ट डे इन गोवा और आज हम थोड़े से बीचेस एक्सप्लोर करेंगे। सब लोग बहुत जल्दी मचा रहे हैं तो मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। इतनी स्पीड से नहा रहे हैं यार। हम कौन सी बीच जा रहे हैं? आरंबोल। सो हम जा रहे हैं अभी आरंबोल बीच पे, फिर हम जाएंगे मोरजिम बीच पे। मोरजिम ना कैसे कैसे अजीब अजीब से नाम है। ये देखो, मम्मी ने बोला भालू की फोटो खींच, पलक बोलती कहाँ है? आज अब यहाँ पे एक्चुअली भालू दिखेगा। ये हमारी भालू भी अजीब ही है यार। इसको पहना। आते ही इस बीच पे भाई साहब को एक काम मिल गया है जो ये बहुत टाइम पहले से करवाना चाहते थे, एंड दैट्स टेम्परेरी टैटू बनवाना। इसका वो तो आपने बनाया नहीं जो बाल था उड़ा हुआ, बाल नहीं आएगा वो। ये मेरी माता रानी अपने नाती का नाम लिखवाती हुई, ये लिख गया है किशमिश, बाबू बन गया ये टैटू। और अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ, क्योंकि गोवा में आके अगर टेम्परेरी टैटू नहीं करवाया तो क्या ही करवाया, राइट? एंड दिस इज आरंबोल बीच, रशियन बीच बोल के हमें ले आए हैं, ठीक है? और हम आए थे रशियंस को देखने के लिए यहाँ पे। साला यहाँ पे तो इंडियंस ही भरे पड़े हैं। ये देखना मम्मी को किसी को देख के। यही तो है मजा मम्मी। दीदू वीडियो बना रही, दीदू को हाय बोलो, हाय बोलो दीदू को, हाय। मजे कर रही है वो अपने। ये देखो एक और क्यूट बच्चा। वो दिखा रही है कुछ। बाय। ओह So sweet. तो यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ के शैक्स पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो रशियन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वही लोग आते हैं ना, स्पेशली उनके लिए इतना किया गया है। खाना खा के आए थे शैक्स पे, बहुत ही वाहियात था और शैक भी बहुत ही वाहियात था, बट ठीक है, काम चलाओ काम हो गया हमारा। अब हम आए हैं पानी में थोड़ा सा मज़े लेने के लिए, क्योंकि गोवा में आओ और हर रोज़ पानी में नहीं आओ मज़ा नहीं आता ना। तो हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती कर ली है इस बीच पे, अब हम दूसरी बीच पे जाएंगे। यहाँ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ भी खींची हैं, मतलब ज़्यादातर मेहनत तो मैंने ही की है फ़ोटोज़ खींचने में। सबकी बिल्कुल सही एंगल, सही लाइटिंग, सबके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा रही हूँ और ये साले कमीने इतनी गंदी गंदी टट्टी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं मेरी। और एक्सक्यूज़ क्या होता है कि यार हमें तो ऐसे खींचनी आती है, तुम्हें पता होना चाहिए पोस्चर कैसा जा रहा है तुम्हारा। अरे पोस्चर सामने वाला इंसान बताते हैं, मैं बताऊँ खड़े खड़े अपनी फ़ोटो खिंचवाते हुए? मतलब देखना तुम इन सबकी फ़ोटोज़ देखना, वीडियोस देखना जो मैंने बनाई है, और मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोस देखना जो इन लोगों ने खींची और बनाई है। तो हमने निकलते निकलते हमारे किशमिश के लिए छोटू सा टुबई लिया है। ये देखो, ये बोलती पूजू है और ये पूजू का किशमिश है। देख लो बहन। सो ये अयोध्या के उपलक्ष्य में यहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई है और मम्मी को इनके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। ये देखिए, ये पूरा क्या बोलते हैं बाल में इसको, काफिला। काफिला, हाँ, ये पूरा काफिला अयोध्या के लिए, मतलब अयोध्या तो नहीं जा रहे होंगे हम श्योर ये लोग, हाँ। बट उसकी प्रमोशन के लिए देख पूरा का पूरा काफिला कहाँ तक, बाप रे प्रतीक। वो आरंबोल बीच से अब हम आए हैं मोरजिम बीच, इसको भी रशियन बीच बोला जाता है। यहाँ की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ना जो रशियंस हैं वो इंडियन सॉन्ग्स गाते हैं, दैट टू भगवान जी वाला है। सो लेट्स सी अगर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो। बाकी यहाँ पे टर्टल्स भी मिलते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के बीच पे बहुत सारे टर्टल्स यू कैन फाइंड। सो लेट्स सी अगर कोई मिलता है तो। मेरी मॉम तो उन्हें घर ले जाने के मूड में है बिल्कुल। ऐसा पार्टनर चाहिए मुझे लाइफ में, ऐसा जो इतनी एज में भी आके ना बीचेस घुमाने के लिए लेके आए। तो यहाँ पे ऐसा है कि पहले आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ जाने को मिलेगा। माता रानी इज सो एक्साइटेड, पहले ही पहुँच गई है, बताओ मेरे को पूछा भी नहीं इनने। और अब हम भी चलते हैं, पता नहीं क्यों कैमरा ऑन करते ही ना मेरी जुबान थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, करते हैं। but I love it. Bro, ये है नज़ारा देखने लायक. वाओ, ये देख लीजिए सनसेट होता और वेव्स देखो ब्रो, बहुत ही सेक्सी मौसम हो रखा है. सो फाइनली इतनी सारी बीचेस एक्सप्लोर करने के बाद ये पहली बीच थी जहाँ हमें सनसेट देखने को मिला और 2 मिनट के अंदर, मतलब इट वाज लाइक पूरा का पूरा विजिबल था और 2 मिनट के अंदर हेड जाते कम्प्लीटली गॉन, पता ही नहीं लगा. मेरी मम्मी को यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गई है जिसके साथ उन्होंने फोटोज भी क्लिक कराई हैं. देखो मज़े तो इसके हैं. सो मॉर्जिम बीच पे हमें टर्टल्स तो दिखाई नहीं दिए. दे सेड कि नहीं, दे सेड नहीं, एक्चुअली माई ब्रदर सेड कि 1 किलोमीटर दूरी पे मिलेंगे कुछ भी. तो अब हम जा रहे हैं घर, वहाँ प्रतीक को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए. सो हम बीच से घर आ गए थे चाय ब्रेक के लिए और अब हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए. ना मेरी मम्मी को जब देखो मेरी उड़ाती रहते हैं. उड़ाया नहीं, जमाया है कि ऐसे नहीं ऐसे ऐसे बोला करो. कैसे कैसे नहीं कैसे. हम निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए, फिर आपसे आके बात करेंगे. ओके, रिलैक्स होके आपसे बात करेंगे, ठीक है. देख लो इनका जूड़ा, हर रोज कुछ नया नया ट्राई कर रही हैं. वो गोवा में आके फिर बोलते हैं क्या रखा है गोवा में, क्या देखने को मिला है गोवा में ऐसे. सो हम सैटरडे नाइट मार्केट के लिए आए थे लेकिन हमें बाद में पता चला कि सैटरडे नाइट मार्केट सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को खुली रहती है और बाकी दिन नहीं रहती है. तो फिर हम इधर उधर घूम रहे थे, लोगों से इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे कि भाई बताओ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं. समबडी टोल्ड अस कि तिब्बतन मार्केट चले जाओ, यही बीच के पास है. तो अभी हम तिब्बतन मार्केट आए हैं, पता नहीं कौन सी बीच के पास है लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मार्केट. लेट्स एक्सप्लोर है. यही है तिब्बतन मार्केट जिसके बारे में हमें बताया गया था. सो अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए. मार्केट एक्सप्लोर करते करते हम कहीं रुक गए थे. बेसिकली क्या हुआ था कि सड़क पे देयर वाज दिस गर्ल हु वाज सिटिंग, उसको फिट्स आ रहे थे और उसकी बहन जीजा सब उसके साथ में थे. तो वो सब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे. तो हम भी खड़े हो गए कि इन केस कुछ हेल्प हो जाए. तो फिर लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि वो तो सामने वाली पार्टी जिसने थोड़ा सा शायद गाड़ी से उसको कुछ ठोका या कुछ किया, उससे कुछ चाह रही थी, मतलब उनकी पुलिस कंप्लेंट करना चाह रही थी. तो पूरे इंसिडेंट में वो उस लड़की के बारे में तो भूल ही गए जिसको हॉस्पिटल लेके जाना था. वो बस उसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब वो पुलिस वाले आए और उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सके. तो फाइनली पता ही नहीं चला कि एक्चुअली वो लड़की बीमार थी या क्या था, बट पुलिस आई, पता नहीं क्या क्या हुआ. तो हम वहीं पे 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा खड़े रहे. पुलिस वालिस से भी जो भी हमने देखा वो सब बताया. फिर उसके बाद अब हम खाने आए हैं. और मेरी माता कुछ चुराते हुए. मम्मी पेड़ चुराने की सोच रही हो आप? ये चुराने के फुल ऑन मूड में है, जहाँ जाते हैं एक पेड़ चुरा के आते हैं भैया. सो मार्केट से हम आ चुके हैं वापस और अब हम ऊपर जाके ये पैकिंग करने वाले हैं और पैकिंग करने के बाद हम निकलेंगे स्टेशन की तरफ क्योंकि रात के 4 बजे हमारी ट्रेन है यहाँ से. ये देखना, लग रहा है जैसे गांव का, जैसे होता नहीं था बचपन में बैग ऐसे टांगते थे, स्कूल बैग. हाँ बच्चे लोग ये बचपन में पाल में आप भी तो टांगते हैं. आज में टिफिन ऐसा टिफिन. ये देखो मिली है. बोलते हैं ना गांव वालों के अंदर से वो गांव निकाला नहीं जा सकता, बस वही केस है. हमारी मिट्टी में ही सुगंधता है, हमारी मिट्टी में. इतने गंदे गंदे कैसे मार लेती है मम्मी आप. जिस मिट्टी से हम बने हुए वो गांव की मिट्टी है. अच्छा. तो हम उसको कैसे वो करें, हम उससे रिलेटेड हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये मम्मी को नींद चढ़ चुकी है, अभी हम इनको थोड़ी देर सुलाते हैं. और ये देखो हमारा लड़का. देख दमदार आवाज है. क्या सियाना बच्चा, नहीं जाएगा तो बैग ही पैक करेगा ना, घर पे बैठे बैठे क्या करेगा. ये देखो कोई गंदी गंदी मूवीज देख रहे हैं. देखो तो देखिए कैसे लास्ट मोमेंट पैकिंग हो रही है. जैसे वो आ जाती है ना, भाई यार हेल्प करा लो, ये क्या है. So finally it's time to leave और हम लोगों ने घर में पैकिंग वैकिंग करके घर को लॉक करके सारा सामान उठा लिया है, कुछ हाथ में भी है हमारे। अब हम जा रहे हैं कुछ ठूसने वही आंगरी सरदार पे। ये हमारा प्रतीक है ना, इसको लास्ट मोमेंट पे एक प्रैंक सूझा कि भाई क्या सूझा कि ये भागता भागता आया कि भैया रुको 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 घर अभी लॉक मत करना। और हमने बोला क्या हुआ, बोलता है मैं ना गाड़ी स्टार्ट करी थी और गाड़ी से मैं बाहर निकल गया तो गाड़ी की चाबी अंदर रह गई और अब कोई वे नहीं है जिससे गाड़ी की चाबी हम बाहर निकाल सकते हैं। और हम सब यूँ हो गए कि ये क्या कर दिया तुमने भैया, मतलब अब कैसे जाएंगे हम। बट फिर ये एकदम से हंसने लग गया एंड वी वर लाइक टट्टी जोक था तेरा प्रतीक। चलिए अलविदा बोलते हुए इस प्यारी सी जगह को, नेक्स्ट टाइम अगर आई तो पक्का यहीं स्टे करूँगी। बहुत ज़बरदस्त प्लेस थी और पलक का प्लान था ये नारियल चुराने का बट वो चुरा नहीं पाई। और वहाँ हमारी गाड़ी है, चलते हैं। आज तो सब प्रैंक करने के मूड में। अब हमारी माता गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो तो ताज़ा ताज़ा खबर मिली है कि जो मैं आपको पेड़ दिखा रही थी ना कि जहाँ से पलक और मम्मी वो नारियल तोड़ना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली उन्होंने वहाँ से नारियल तोड़ लिया। पाल में वो सो रहा था, अभी मत लगाओ। चलिए हम आ चुके हैं एंग्री सरदार पे और मतलब जा रहे हैं वहाँ पे। और क्या बोला तूने, हमारे भाग खुल गए कि हम फिर से आए। हमारे भाग या इनके भाग खुल गए कि हम फिर से इनके यहाँ पे आए हैं। सामने जैक डैनियल्स का वो है, ब्लैक एंड वाइट का है और किसी का भी है। चलिए ये मम्मी ड्रेस चेंज करके आई है स्पेशली यहाँ पे जाने के लिए। देखा एंग्री सरदार, ये इनका पेट है। इन्होंने डॉग और कैट दोनों पाल रखे हैं और दोनों कस्टमर से कम नहीं है। इनके लिए बिल्कुल ऐसे सोफों पे VIP ट्रीटमेंट मिलती है इनको। और मम्मी आई हूँ वेरी हैप्पी। मैं अपने घर को वापस जा रही हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। पूरे स्टेशन को उठा दें अपनी स्नोरिंग से। आ तो गए हैं हम स्टेशन पे, लेकिन है बहुत भाई यार ये स्टेशन बहुत ही गंदा स्टेशन है भाई, बहुत गंदा स्टेशन है। थैंक गॉड यहाँ पे ऐसा कुछ है जहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और थोड़ी बदबू से भी बच सकते हैं। सो हमने वहाँ पे अपनी चेयर्स बुक कर ली, ठीक है। फिर पलक को याद आया कि चलो एक बार स्टेशन घूमते हैं। आई डोंट नो इस स्टेशन में उसको क्या घूमना था बट जो भी था। फिर हमने बोला कोई बात नहीं है तो अपनी कज़न, थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ेगा इसका भी। फिर हम आ गए। फिर अब हम लोगों को लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर दिया इसने हमारा। फिर हम वापस आ रहे हैं बैठते बैठते सोनिया माता रानी। और ये इन्होंने TV ऑन करवाया स्पेशली, देखो टाइम देख रहे हो गया। स्टेशन पे खड़े खड़े याद आ गया कि पूरे इंडिया में मतलब नॉर्थ साइड में एटलीस्ट ठंड चल रही है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ठंड है। इन सबको ना ये ब्लैंकेट्स की बदबू नहीं सहन हो रही। ये है वो, ये है इसके बीच में बोतल रखी हुई तो मेरे को वाले। ये तेरे ही काम है, इसमें 2 बोतल रख देते हैं। देखो इन्होंने ना फ्लाइट से ही उल्टी वाली वॉमेट बैग्स लिए थे, अब ये इसमें करूली कर रहे। पलक के ऊपर मत, पलक के ऊपर मत करना। दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और हम लोगों की अभी नींद खुली है। अभी मतलब हम रात को सोए थे, ठीक है। कितने बजे सोए थे अपन लोग? 5 बजे। और हम 3:30 बजे उठे क्योंकि हम कतई वेले हो रखे थे ट्रेन में, तो हमने उनो खेलना शुरू कर दिया। इसलिए खेल रही है ये, पता है? कुछ ऐसे हमारे पत्ते डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। काटना सब में होता है। हाँ, दूसरे प्लेइंग कार्ड्स में भी होता है। मेरे को तो चटाई खेलनी आती है सिर्फ भाई, दूसरे प्लेइंग कार्ड में भी। खत्म होने वाले हैं। अरे इसने वन कार्ड लेफ्ट टू उन्होंने ही बोला, अभी है तो सही। अब बोला ना, पिछली बार कहाँ बोला जब एक लेफ्ट था। हाँ मेरे को दी थी तुमने, रुक जाओ तुम, बड़ा करते हो ना, रुक जा बेटा। प्रतीक ढंग से चलियो। तो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं उनो खेल रही थी, और भाई के बाद आई वन। बस शरीर बड़ा, दिमाग तक होता ही है। किसका? सबका। और जो रिकॉर्ड कर रहा हो कोई देख लो चाचू ये मुझे क्या बोल रहा है। चाची देखो, ये इटार से स्टेशन पे पापा जी हमें चाय देने के लिए आते हुए, ये देखिए ये ब्लू टी शर्ट वाले के पीछे। और ये आ गए हैं हम अपने घर वापस, कम कम कपड़ों से पूरे पूरे कपड़ों में वापस आ गए हैं हम। सामने से दिखा रहा हूँ, ये इनको कानों पे ठंड लग रही है, भोपाल वापस आके। बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्या चलें, तो हम वापस आ चुके हैं। और भोपाल आते ही हमारे को एक चीज समझ में आ गई कि गोवा बहुत अच्छा था, यहाँ बहुत ठंड है। मतलब 10 का टेम्परेचर, कम ऑन यार कोई बात होती है। बड़े इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये ट्रिप हमारा बहुत जबरदस्त रहा, बहुत मजा आया। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप के साथ।